आज हम बनाएंगे पत्ती गोभी और आलू से एकदम नई रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार है। वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे पत्ते गोभी और आलू की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर मैंने लिया है 6 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू, उनको छील लिया है, और एक पत्ते गोभी लिया है फ्रेश मीडियम साइज़ का, ये देखिए। तो इसको बारीक लंबाई में हम कट कर लेंगे और इसमें बना देते हैं एक फोक से होल। इसी तरह सारे आलू में बना लेंगे। अभी मैंने सारे आलू में फोक से होल बना लिया है और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इधर एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसी में डालेंगे सारे आलू को और फ्राई कर लेंगे, रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा आलू गोल्डन फ्राई होता है तब तक हम पत्ते गोभी को कट कर लेते हैं। अभी आलू गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अभी उसी कढ़ाई में जिसमें आलू फ्राई किया था मैंने 2 बड़े चम्मच तेल रहने दिया है और उसमें डालूंगी 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, और उसी में डालूंगी 1 चम्मच जीरा। और अभी डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज, इसको भून लेंगे अच्छे से। गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। अभी प्याज गोल्डन हो चुका है, इसी स्टेज पे डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी भून लेंगे। अभी जिंजर गार्लिक भून चुका है और इसी स्टेज पे हम डालेंगे कुछ मसाले, गैस को धीमा कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही डालेंगे रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे रेड कश्मीरी पाउडर। मिक्स कर देंगे मसालों को अच्छे से। अभी मसाले भी भून गए हैं अच्छे से, तो इसी स्टेज पे डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी बनाई है और इसको भी भूनेंगे मसालों के साथ में अच्छे से। अभी मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे पत्ते गोभी। मसालों के साथ में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे पत्ते गोभी को, ढक देंगे, ढक करके 2 मिनट तक पकाएंगे और आग को धीमा ही रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और पत्ते गोभी भी अच्छे से भुन चुका है तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप के जितना पानी। और इसमें डालेंगे अभी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और 2 ग्रीन चिली डालेंगे स्लिट की हुई और वापस 2 मिनट ढक करके पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं और
इसी स्टेज पे अभी हम डाल देते हैं आलू। और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। वापस ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे इसको। अभी 5 मिनट हो गए हैं और हम चेक कर लेते हैं सब्जी को। ये देखिए सब्जी रेडी है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको करेंगे बंद और इसको सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी पत्ते गोभी और आलू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।